की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश विरोधी यहाँ कोई बात नहीं चलेगी। कोई नहीं करेगा, कौन कर रहा है देश ये गांधी जी का देश। मेरे वालिद साहब मारे गए हैं, गोलियों के शिकार बने हैं। ये हमें देशद्रोही कहेंगे? मेरे वालिद साहब घर वहां अभी भी अफसफा है। डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है, बच्चे जेलों में है, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है। और सुनिए मेरी बात, और आप अगर हम मुझे आप बताइए, अगर हम पीस की बात करते हैं, क्या इस देश में हमें अपने अधिकार करने की आप सहमत हो या ना हो, लेकिन हम पीसफुली अपने राइट्स के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे। वाजपेयी जी ने कहा इंसानियत जमहूरियत कश्मीरियत में हम कश्मीर को सुलझाएंगे। मेरे भाई 3 युद्ध कश्मीर में हुए, कल एक पुलिस ऑफिसर मारा गया, अब सपा है, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है, कश्मीर को हमें सुलझाना होगा। और हम जैसी आवाज कहते हैं संविधान के दायरे में, गांधी जी के देश में जो है, हम चाहेंगे पूरे अमन तरीके से संघर्ष करेंगे, और याद रखेगा हम इसे हासिल करके रहेंगे। महाराज इसी बात पे असेल किया था कि 5 अगस्त का जो फैसला है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी तो पार्लियामेंट नहीं कर सकता। इसी तरीके से आर्टिकल 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट को अगर यूटी बनाना हो, कोई तब्दीली लानी हो, उसके लिए वहाँ की विधानसभा की ओपिनियन चाहिए। लेकिन हम ओवरऑल यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो मानना है कि हमें लीगल बैटल पहले से कहना हमारा था, हम लीगल बैटल भी फाइट करेंगे और पॉलिटिकल लेवल पे भी। पॉलिटिकल लेवल पे बहुत इम्पॉर्टेंट फाइट करना है पीसफुली, लेकिन साथ साथ कहीं पर हमें बाहर नहीं है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में अपने राइट्स की, पॉलिटिकल राइट्स की बात करने की, जो हमें इनके साथ एग्रीमेंट था, इनने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को देखना था। लेकिन हम पॉलिटिकल एस्पिरेशंस की बात करते हैं तो उसमें हमें पूरे देश में जाना पड़ेगा, एक तहरीक बनानी पड़ेगी, संविधान के दायरे में जम्मू कश्मीर को एकजुट होना पड़ेगा, और पूरे देश में पॉलिटिकल पार्टी से बात करके, संपर्क करके, इवन सत्ता पार्टी से भी, सत्ता से भी, जो भी सरकार है उनसे भी संपर्क करने की कोशिश, अपना दर्द बताना कि हमारे जो राइट्स है संविधान के दायरे में ये हमें दिए जाए, ये हमारे साथ इंसाफ होगा। ऑनरेबल कोर्ट की जजमेंट है, इफ़ आई एम राइट, आप कोर्ट की जजमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कहीं पर क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, बट विदाउट एट्रीब्यूटिंग मोटिव्स टू द कोर्ट और जज, ऐसा कह सकते हैं। तो हम समझते हैं बहुत से वहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं है। एक और ऑनरेबल कोर्ट कहता कि जो इंटरप्रिटेशन क्लाज है 367 की, ये सही नहीं था जो उसमें कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जम्मू कश्मीर असेंबली जो है वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। तो उन्होंने पहले उसको कहा कि वो सही नहीं था, जब वो सही नहीं था उसके सब्सिक्वेंटली जो बाकी चीज़ें हुई वो भी तो अनकॉन्स्टिट्यूशनली हो सकती है। हम होपफुल दैट वी थ्रू आवर पोलिटिकल स्ट्रगल वी विल गेट इट।